हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। ये PMDUMT का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 40 से 50 तक बात करेंगे। 2018 का ये लास्ट वीडियो होगा। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। कॉलरा किसके से होता है? विब्रियो कॉलेरी से। तो कहता है एक सिंगल मोस्ट, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है, अटेम्प्ट कीजिए इसे। बिल्कुल सही, क्या होगा राइट आंसर? डी तो बिल्कुल नहीं। या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा इसमें? सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है और बार बार आपको लगेगा कि स्टूल होगा वगैरह, होता नहीं है। ओके, आपके सामने ये सिम्टम्स दिया हुआ है कि क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप इन्हें देख सकते हैं। Which one of the following microorganism is responsible for ringworm? ये बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल सही। या क्या होगा? ringworm किससे होता है? फंगी से होता है। ओके, आई थिंक इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। To create knockout mice, a gene used to transfect mice replace the endogenous gene copy in the genome by a technique called, क्या कहलाता है? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजिशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? नहीं, ए बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये जीन आपस में रिकम्बाइन, वो इंडोजीनस जीन को रिप्लेस कर देता है। देखिए अगला सवाल कहता है, mRNA regulates the expression of a gene by, किसके थ्रू? ट्रांसलेशन को डिसरप्ट करके, ट्रांसक्रिप्शन को डिसरप्ट करके, या फिर रेप्लिकेशन को। देखिए यहाँ पर एक नाम से तो ही क्लियर हो रहा है कि रेप्लिकेशन, जब आरएनए बन गया तो रेप्लिकेशन कहाँ से? ऑप्शन सी ऐसे आप इलिमिनेट कर पाइएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए बन चुका है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, तो ये किसको डिस्टर्ब कर सकता है? ट्रांसलेशन को या फिर उसके मॉडिफिकेशन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये डिसरप्ट करता है ट्रांसलेशन को mRNA। mRNA को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ली ने। किसने? ली ने। ओके, इसके बारे में mRNA के बारे में और कुछ फैक्ट दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ भी है यही बातें जो हमने आपको बताई। ओके, ए टेस्ट क्रॉस डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, किसके किसके बीच डिस्टिंग्विश करता है? अरे ये क्या हुआ है एनिमेशन? अच्छा, प्रॉब्लम ये आ गया है कि ये मैंने एक मंथ पहले ही ये PPT बनाया था, बट ड्यू टू एकेडमिक बर्डन, बहुत सारा वो असाइनमेंट वगैरह था, तो हम अपने एकेडमिक में बिजी थे, तो इसी कारण वीडियो नहीं बना पाए थे, तो थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह गलती हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को तो आंसर पता चल ही गया होगा। टेस्ट क्रॉस किसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं? तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल हम छोड़ रहे हैं। टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप और जेनेटिक रेशियो क्या होगा, और बैक क्रॉस का जेनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी आप लोग नीचे कमेंट में बताइए हमें। ओके, और ये भी तो बहुत आसान है, बना लीजिएगा आप लोग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड क्या होगा? सबसे पहले आप बताइए कि नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड है कितना? तो 20 है भाई साहब, है ना? और कितना बॉन्ड बना रहा है? तो सिंपली आप उसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया हो। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुड। द लीडिंग स्ट्रैंड स्टार्ट DNA रेप्लिकेशन बाय यूजिंग, अरे इतना आसान आसान सवाल, कोई बात नहीं, चलो अटेम्प्ट करो इसे। क्या होगा? DNA पॉलीमरेज नहीं, RNA प्राइमर को यूज करके वो रेप्लिकेट करता है, वो एंजाइम है। तो यूज
फर्स्ट टाइम किसे करता है? देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है लीडिंग नॉट लैगिंग, है ना। तो आरएनए प्राइमर पहले होता है, उसमें केवल वो ऐड करना स्टार्ट करता है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग है हेलिकेज। जब स्टार्ट होता है तो एक आरएनए प्राइमर आता है, वहां से ये आगे चलता है, क्या? और डीएनए पॉल थर्ड होता है, पॉल वन नहीं ना। व्हाट विल हैपन इफ P53 जीन इज इनएक्टिव इन ए सेल? क्या होगा अगर P53 जीन को इनएक्टिवेट कर दिया जाए? सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल साइकिल विल बी अरेस्टेड, द कंट्रोल डेथ ऑफ डैमेज सेल वुड नॉट टेक प्लेस रिजल्टिंग कैंसर, कैनिटोपोर विल नॉट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। क्या होगा? नहीं, सी बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। अगर P53 जीन इनएक्टिवेट हो गया है तो वो कैंसरस सेल में डेवलप होने लगेगा। नीचे कुछ बातें दी हुई होगी, हाँ दिया हुआ है, चलिए। कहता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पॉक्स बाय प्रायर इन्फेक्शन विथ कॉ पॉक्स रिप्रेजेंट्स, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को। ये तो आपको ये जो भी सुई लग रहा है कोरोना वाला, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी तो इस केस में आएगा भाई। पेसिव प्रोटेक्शन या इननेट इम्यूनिटी, इननेट तो इन बर्थ आपको जो बर्थ के समय ही आ जाता है इननेट, पेसिव प्रोटेक्शन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। ओके, देयर आर, अरे ये भी तो बहुत आसान है, क्या पढ़े इस सवाल को, पढ़ना चाहिए, चलिए अटेम्प्ट करिए आप लोग इसे, कोई बात नहीं, सिंपली क्या कर दीजिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, 80 थायमिन होगा तो 80 एडिनिन भी होगा, मतलब 160 ऐसे हो गया, 40 ग्वानिन होगा तो 40 साइटोसिन भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कोई बात नहीं, इस वीडियो में बहुत आसान आसान सा सवाल था, आई थिंक सारा चीज क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इसको पूरा कंटिन्यू करके खत्म करेंगे जल्दी से। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।